जनपद रुद्रप्रयाग में 6 ग्रेनेडियर्स बटालियन के प्रांगण में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शहीदों को दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग के 3 सैनिकों ने कारगिल युद्ध में अपने देश की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसमें नायक सुनील दत्त कांडपाल राइफलमैन भगवान सिंह, नायक गोविंद सिंह शहीद हुए। देश के शहीद जवानों को याद करते हुए रुद्रप्रयाग विधायक भारत सिंह चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती, 6 बटालियन ग्रेनेडियर्स के उप कमान अधिकारी मेजर निखिल सहित अन्य लोगों ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्य अतिथियों द्वारा शहीदों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, साथ ही स्कूली बच्चों को भी सांस्कृतिक प्रस्तुति देने पर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति पर आधारित रंग रंगीला कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीर नारियां और सेना के अधिकारी जवान भी मौजूद रहे। 25वां कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस, शौर्य दिवस के रूप में जो 6 ग्रेनेडियर की जो 6 बटालियन यहाँ पर रुद्रप्रयाग में है, उनके परिसर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के सौजन्य से आयोजित की गई और इसमें जो इस जिले के 3 अमर कारगिल शहीद हैं उनके परिजनों को भी जो है सम्मानित किया गया और सभी उपस्थित जो पूर्व सैनिक और जितने भी लोग मौजूद थे उनके द्वारा कारगिल शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए गए और इंटर कॉलेज के बालक बालिकाओं ने बहुत ही भावपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं जो पूरी तरह से शौर्य दिवस के लिए डेडिकेटेड थे। तो ये हमारी बहुत ही गौरवशाली सैन्य परंपरा है उत्तराखंड की और उसी कड़ी में जब भी इस देश के लिए अपनी शहादत देने का समय आता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे आगे हमारे उत्तराखंड के लोग होते हैं, उत्तराखंड के हमारे जवान होते हैं। कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे धूमधाम से हमने उन शहीदों को के लिए प्रोग्राम नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी और ये जो हमारी भूमि है, वीरों की भूमि है, आज से नहीं पहले से गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट भरी, जब हम चंद लोग थे यहाँ पे, चंद हमारी पॉपुलेशन थी, दो दो रेजिमेंट भाई इस चीज़ को बताती है। तो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उन्होंने इसको जिंदा रखा है और हर युद्ध में वो आगे बढ़ चढ़ कर योगदान है और आज भी हमारे जो यहाँ के युवा हैं, इस देश की, इसकी मिट्टी, यहाँ की मिट्टी और पानी में ऐसे तत्व हैं जो देश को हमारे पूरे गर्व से सीना हमारा चौड़ा करते हैं। आज हम उनको सबको नमन करते हैं, उन लोगों को भी नमन करते हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है, अभूतपूर्व योगदान दिया है हमारे देश की रक्षा में। और हम संकल्प लेते हैं कि हम हमारे जो नए साथी हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते रहेंगे चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि यह कारगिल विजय दिवस हमारे देश के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया एक इतिहास है। आज के दिन 26 जुलाई को ही हमारे कैप्टन बत्रा ने टाइगर हिल में फतह प्राप्त किया था और हमारे तिरंगों को लगाया था। इसके साथ ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस पूरे युद्ध में हमारे तकरीबन 527 हमारे वीर जवान शहीद हुए और 1363 हमारे जवान जो है घायल हुए। और वहीं उत्तराखंड, जो कि आप सबको पता है कि एक सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे घर घर से एक सैनिक है, तो यहाँ के तकरीबन 71 जवान जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, जिन्होंने अपने पूरे सर्वोच्च इस देश के लिए न्यौछार किया और रुद्रप्रयाग, खासकर रुद्रप्रयाग के लिए यहाँ के 3 हमारे वीर सपूतों ने इस युद्ध में भारत माँ की रक्षा में अपनी सर्वोच्च न्यौछार किया, अपनी जान की आहुति दी।